नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन लगभग 1 से 1.5 महीने की अवस्था में क्या करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अगले वीडियो में हमें बहुत सपोर्ट किया। किसान भाइयों, लगभग 1 से 1.5 महीने की अवस्था में आप सोयाबीन हो चुकी है और अब हम क्या करें कि हम अपनी सोयाबीन में बहुत से रोगों को मुक्त कर सके या बहुत से रोगों को नियंत्रण कर सके। किसान भाइयों, यहाँ पर बात करेंगे सोयाबीन में मुख्य रोग है खपतवार, सेकेंड इंसेक्ट और तीसरा है फंगस। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम फंगस के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। किसान भाइयों, लगभग 1.5 से 2 महीने की अवस्था में बहुत ही नाजुक अवस्था सोयाबीन की मानी जाती है। किसान भाइयों, यहाँ पर बात करें हम सोयाबीन, तो अब आप 1 से 1.5 महीने में कौन से भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग करोगे उसमें आप फंगिसाइड अवश्य मिलाइएगा, जैसे कि आप समय पर ही या समय से पहले आप फंगस को अपने खेतों से कंट्रोल कर सको। और किसान भाई, यहाँ पर हम बात करें सबसे सस्ती टेक्निकल ही यूज़ करिएगा, क्योंकि अभी आपके खेतों में फंगस ना आई है और बहुत से कम मात्रा में कहीं कहीं देखने को मिलेगी भी, तो बहुत कम मात्रा में मिलेगी। इसीलिए आप हल्के टेक्निकल का उपयोग करें। हल्के टेक्निकल में आप डेबुगुना प्लस सल्फर ले सकते हैं। टेबुगुना 10% और सल्फर 65% के फॉर्मुलेशन में आएगा। किसान भाई, ये 1 किलोग्राम लगभग 500 से 600 रुपये में आएगा। और मार्केटिंग के नाम जाने तो आपको हारू के नाम से और सोयाबीन के नाम से अन्य किसी नाम से भी मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो आप सल्फर 65% और ट्रिपुगुना 10% के फॉर्मुलेशन में ही लाइएगा अभी, क्योंकि किसान भाइयों अभी फंगस आपके खेतों में प्रवेश नहीं किए, इसीलिए आप हल्के टेक्निकल ही यूज़ करिएगा जिससे कि आप समय पर ही फंगस को कंट्रोल कर सके। तो किसान भाइयों, इस छोटे से वीडियो में यह कुछ छोटी जानकारी थी। आप वीडियो को लाइक, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।